अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सैटेलाइट्स वर्ल्ड में सबको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। तो दोस्तों, सामने जो दो पुट का डिश आपको नज़र आ रहा है, ये इस वक्त मैंने सेट की हुई है यूटेलसेट 9 ईस्ट या एरोबल 9 ईस्ट, जिसे यूरोप का परिंदा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको दो पुट डिश पर एरोबल 9 ईस्ट की लेटेस्ट अपडेट देने जा रहा हूँ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मेरे आप सबसे वही पुरानी रिक्वेस्ट है कि अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो दोस्तों, आप डिश सेटिंग थोड़ी सी देख लें। ये दो फुट का डिश है, ये साइड व्यू भी आप देख लें कि कितना इसको मैंने सीधा किया है। एरोबल 9 ईस्ट का सिग्नल भी आजकल बहुत स्ट्रांग है, ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा में। मेरा ताल्लुक ज़िला मर्दान से है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सैटेलाइट पॉइंटर में इसकी फ्रिक्वेंसी दिखाता हूँ। ये दोस्तों मेरे साथ इस वक्त जो चैनल चल रहा है, ये है CGTN डॉक्यूमेंट्री और इसकी फ्रिक्वेंसी है 11997 वर्टिकल 27499। तो चलो दोस्तों, बगैर लिस्ट मैं आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाता हूँ। तो जी दोस्तों, ये मैं टीवी स्क्रीन की तरफ आ गया, कोई भी टीपी मेरे साथ इस वक्त ऐड नहीं है। ये मैं आपके सामने इसको ब्लाइंड सर्च करता हुआ अभी, ये ले ब्लाइंड सर्च, ये अभी फ्रिक्वेंसी स्टार्ट होना शुरू हो गई है। देखते हैं कि दो फुट डिश पर हमारे साथ कितनी फ्रिक्वेंसी है और उन पर कितने चैनल रिसीव हो जाते हैं। तो दोस्तों, एरोबल 9 ईस्ट की कवरेज की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के चंद इलाकों में इसका कवरेज बिल्कुल नहीं है। अलबत्ता 6 से 7 फुट डिश पर आप फिर भी रिसीव कर सकते हो। बहावलपुर में, खैरपुर में, नवाबशाह, बदीन, कराची, गवादर और खुजदार में एरोबल 9 ईस्ट का कवरेज बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसको 6 फुट डिश पर रिसीव कर सकते हो। और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में आप इस सेटेलाइट को 4 फुट से लेकर 5 फुट डिश पर बआसानी रिसीव कर सकते हो। खैबर पख्तूनख्वा में इसका डिश साइज़ ज़्यादा से ज़्यादा 4 फुट है और पंजाब में इसका डिश साइज़ ज़्यादा से ज़्यादा 5 फुट है। दोस्तों, ये स्कैनिंग भी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि टोटल के 231 चैनल रिसीव हो गए हैं टोटल। दोस्तों, मैं कुछ चैनल्स आपको प्ले करके दिखाता हूँ। इस सेटेलाइट में ज़्यादातर चैनल स्क्रैम्बल है, जो कि पारे और सर्वर पर नहीं चलते, और कुछ चैनल फ्री टू एयर भी चलते हैं और कुछ चैनल जो है वो पारोवर सर्वर पर भी चलते हैं। मैं आपको वो चैनल्स भी दिखाता हूँ, लेकिन ये फ्री टू एयर चैनल्स भी है, ये भी आप देख लें। इसके अलावा भी बहुत चैनल है, ये कॉमेडी सेंटर, ये भी फ्री टू एयर है। जिनके चैनलों का कलर चेंज है दोस्तों, ये पारोवर सर्वर पर चल रहा है, जैसा कि ये हो गया एपिन। वैसे इसको लिखा है पावर वी यू, लेकिन ये पावर वी यू पर नहीं है, पहले चलता था, अभी ये पावर सर्वर पर चल रहे हैं। सी लाइन में यूज़ नहीं करते, इसलिए मैं अब सी लाइन के बारे में नहीं बता सकता कि ये सैटेलाइट सी लाइन पर चलता है या नहीं चलता, लेकिन बाहर हर पावर सर्वर पर इसके कुछ चैनल चल रहे हैं। एपिन नेटवर्क, ये पूरा का पूरा पावर सर्वर पर चल रहा है। ये एफिन मूवी हो गया, इसके अलावा और भी चैनल्स है। इस सैटेलाइट को आप 13 ईस्ट के साथ भी रिसीव कर सकते हो और 15 से 26 ईस्ट के साथ भी आप रिसीव कर सकते हो। NLM TV, ये भी प्री टू एयर का एक चैनल है। ये इटली सर्विस, इटली सर्विस 5, BBC वर्ल्ड, ये देख ले, ये भी प्री टू एयर यहाँ पर चल रहा है। RTI एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके अलावा भी बहुत सारे चैनल है, ये भी देख ले दोस्तों। नेशनल जियोग्राफिक नहीं चल रहा। M1 HD, M2 HD, M4 Sports HD, यूरोप, इसके अलावा N5 HD जो कि फ्री टू एयर है। ये चैनल वैसे ही इनका लोगो दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पर कुछ भी नहीं चलता। जैसे प्ले बॉय भी है, वैसे अपने लोगो दिखाता है, लेकिन इस पर कुछ प्रोग्राम नहीं होते। ये कुछ चाइनीज़ चैनल हैं CGTN वाले,
सीजीएन डॉक्यूमेंट्री भी यहाँ पर ऐड है। इसके अलावा ये 6HD ये भी पावर सर्वर पर चल रहा है। इसके अलावा ये दूसरा चैन भी पावर सर्वर पर चल रहा है क्योंकि इसका भी कलर चेंज है। ये देख ले दोस्तों, बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। और भी चैनल्स है, ये देख ली, ये एक फ्री टू एयर चैनल है, ये निक MTV प्लस ये भी यहाँ पर फ्री टू एयर में चलता है। ये देख ले दोस्तों, RTG इंटरनेशनल, फोनिक्स एंड पुन्यूस, ORTM, ये सारे के सारे फ्री टू एयर है। ये भी फ्री टू एयर में चल रहा है यहाँ पर। इसके अलावा ये भी फ्री टू एयर चैनल है कार्टून वाला, पूरी ये भी फ्री टू एयर चलता है, न्यूज़ का चैनल है। इसके अलावा ये भी फ्री टू एयर चैनल है रशियन, ये TV ऑरेंज ये भी फ्री टू एयर में चलता है। इसके अलावा भी कुछ चैनल्स है, एंजॉय TV HD हो गया जैसा कि NTD TV चाइना का एक चैनल है, ये ले PTV ग्लोबल। तो चलो फ्रेंड्स, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।